हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको यहाँ पे फिश टेल न्यू स्टाइल का ब्रेड बनाना सिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह का एक हेयर एसेसरीज जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है लगा रखा है पोनी बना के। उसके बाद देखिए, हेयर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया है और सिंपली मैंने नीचे की साइड से हेयर को क्रॉस किया है, यानी कि नीचे की साइड से हेयर निकालना है और इधर का हेयर को दूसरे साइड कर देना है। तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम किया और सेकंड टाइम में देखिए मैंने ये हेयर को अलग किया है और इसको मैंने ऊपर के साइड डाल दिया है, यानी कि इस वाले हेयर को हमने नहीं लेना है। उसके बाद दूसरा यहाँ से मैंने सेशन लिया है हेयर का और उसको मैंने अगेन फर्स्ट टाइम जैसे क्रॉस कर लिया है। दूसरे साइड का भी इस तरह से थोड़ा सा सेशन लेंगे, बट उसको हम चोटी में नहीं लेंगे, इसको भी मैंने ऊपर डाल दिया है। और अब यहाँ पे हम दूसरा सेशन लेंगे जिसको हम क्रॉस कर लेंगे। तो आपने देखा, इस तरह से कर लेने के बाद अब देखिए फिर से एक सेशन लेंगे कुछ इस तरह से करके, और अब इस वाले सेशन के नीचे से जो हमने ऊपर छोड़ रखा था उस वाले सेशन को ले लेंगे और दूसरे वाले को हम एज इट छोड़ देंगे। तो ध्यान ये रखना है कि हमने नीचे से ही लेना है। सेम दूसरी साइड भी करना है। देखिए, एक सेशन हमने निकाला हेयर का इस तरह से, और ये देखिए नीचे की साइड से जो ऊपर डाल रखा था उसको मैंने ले लिया है, और जो अभी लिया था उसको ऊपर के साइड करके छोड़ देंगे, और जो अभी हम लेते जा रहे हैं उसको क्रॉस करते जाएंगे। तो एक बार ऐसा कर लेना है और दूसरे टाइम में सिंपली नीचे से हेयर लेकर के क्रॉस कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। फिर देखिए, एक बार सिंपली हो गया, दूसरे बार फिर से छोटा सा सेशन लिया है और सिंपली इसको नहीं लेंगे, जो ऊपर छोड़ रखा है उसको इस वाले हेयर के नीचे से ले लेंगे और ये वाले हेयर को हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने किया, नीचे वाला नीचे से हेयर निकाल के लिया है और जो कि पहले वाला था उसको लिया है। सेम इस साइड भी करेंगे। देखिए, एक सेशन निकाला और इस वाले हेयर को छोड़ देना है और जो ऊपर पड़ा है उसको इसके नीचे से करके ले लेना है और ब्रेड में ला के क्रॉस कर देना है। तो क्रॉस का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि इस साइड का हेयर हमने दूसरे साइड को डालना है। तो बस सेम प्रोसीजर करते जाना है। ये दो टाइम हो गया। अब इस बार हम फिर से सिंपली कर लेंगे, कोई सेशन इधर उधर नहीं करना है, बस सिंपली नीचे से लेना है और क्रॉस कर देना है। इस तरह से हो गया। और अब देखिए फिर से वही करना है, एक छोटा सा सेशन लिया, इसको छोड़ देना है और जो दिख रहा है आपको उसको इस वाले के नीचे से लेके क्रॉस कर देना है। बस इस तरह से देखिए करा, और सेम प्रोसीजर हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। देखिए, इस तरह से लिए और नीचे से जो ऊपर सेशन छोड़ रखा था उसको मैंने चोटी में ऐड कर लिया है। तो बस फ्रेंड, देखने में भले ही आपको कितना भी टफ लगे, पर बनाने में बहुत ही इजी है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बनाने में कैसा लगा, मतलब इजी लगा या मतलब बहुत टफ लगा। बट मेरे हिसाब से ये बहुत इजी है, जब आप बनाओगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है हेयर स्टाइल। तो और इस हेयर स्टाइल के साथ आप आगे फ्रंट के हेयर से जैसे चाहो वैसे आप इसको यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब जैसा भी आप हेयर स्टाइल रखो, आगे से फेस पे हेयर छोड़ो या आगे पफ बनाओ, कैसा भी हेयर बनाओ, पीछे के साइड आप इस तरह से एक ब्रेड डाल सकते हो, जो कि बहुत ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल लगती है पीछे की साइड से। और ये हेयर स्टाइल आप जीन्स पर भी बना सकते हो, लहंगे पर बना सकते हो, पंजाबी सूट के साथ डाल सकते हो, बहुत ही प्यारी लगेगी। और आप जैसे चाहो वैसे मतलब किसी भी ड्रेस के साथ सकते हो आप, या इसको सिंपली सूट पे भी बना सकते हो, बहुत ही प्यारी हेयर स्टाइल है। तो बस सिंपली इसी तरह से करके एकदम लास्ट तक कर लेंगे और लास्ट में सिंपल जैसे हम थोड़ा सा हेयर छोड़ देते हैं रबर बैंड लगाने के लिए, तो बस उस तरह से करके थोड़ा सा हेयर छोड़ देंगे और रबर बैंड लगा लेंगे लास्ट में बालों को सिक्योर करने के लिए। Thank you.
तो बस अब इस तरह से देखिए एकदम हमारी जो ब्रेड है, चोटी है, कंप्लीट हो गई है। लास्ट में मैंने चारों सेशन को एक साथ करके रबर बैंड लगा दिया है और इस तरह से थोड़ा सा हेयर को पुल आउट करके इसको और भी मैंने वॉल्यूमेंस कर दिया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत हेयर स्टाइल लग रहा होगा। ये थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी गाड़ी की, तो प्लीज़ आवाज़ को अवॉइड कर दीजिएगा। तो आप देखो कितना प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है, मतलब जो ब्रेड बनी है फिश स्टिल ब्रेड एकदम न्यू ब्यूटीफुल यूनिक सी लग रही है ना। तो चलिए देखते हैं सेकंड हेयर स्टाइल, जो कि वो भी फिश स्टिल ब्रेड है बट इससे सिंपल एंड इजी है। तो सेकंड हेयर स्टाइल बनाने के लिए सिंपली बालों को इस तरह से मैंने कॉम करके नीचे की साइड पकड़ा हुआ है और यहाँ पे मैंने कोई रबर बैंड का यूज़ नहीं किया है। उसके बाद मैंने हेयर्स को यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड करा है। करने के बाद सिंपली नीचे की साइड से हेयर को लेना है और आपस में क्रॉस करना है। आपस में क्रॉस करने का मतलब जैसे इस साइड से लेकर के आए हेयर तो वो दूसरे साइड कर देंगे, दो पार्ट बनाए थे बालों के तो, और जो दूसरे साइड से लेंगे तो उसको दूसरे साइड हम कर देंगे। तो बस यही क्रॉस करना, ये देखिए इधर से लिया और दूसरे साइड कर दिया और अब देखिए इस साइड से लेंगे थोड़ा थोड़ा सा हेयर का सेशन और दूसरे साइड ऐड करना है। तो बस बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी एंड बहुत ही क्विक हेयर स्टाइल है, ब्रेड है, जो आप सिंपली बना सकते हो। और ये हेयर स्टाइल जो है तो सेल्फ भी आप बना सकते हो, बहुत इजी है और सेल्फ बनाने में इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे तो ज़रूर बन जाएगा। और फिलहाल जो फर्स्ट वाला था उसके लिए आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे देखने से और प्रैक्टिकल करने से बहुत अंतर होता है। देखने में कोई चीज़ टफ लगती है बट बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी लगती है, इसलिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से बस सिंपली नीचे से लेते जाना है, बालों को क्रॉस करते जाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो ना, तो बस इस तरह से सिंपली कर लेंगे और एकदम एंड तक कर लेंगे। और हाँ एक चीज़ है, अगर आपका हेयर लॉन्ग होता है ना तो ब्रेड फिर आप किसी भी तरह की बनाओ वो बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि ब्रेड तो लॉन्ग हेयर के लिए ही होती है। शॉर्ट हेयर में तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स कर सकते हो बट लॉन्ग हेयर में तो मुझे फिलहाल ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। ब्रेड चाहे सिंपल हो या जैसी भी हो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हो इस तरह से ब्रेड कम्प्लीट हो गई है और लास्ट में मैंने रबर बैंड लगा के बालों को सिक्योर कर दिया है। तो आई होप कि आज का वीडियो हेयर स्टाइल पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।